अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मेरी भी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जॉर्जिया वीज़ा है। जॉर्जिया वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जॉर्जिया वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट और बगैर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिस दोस्त के पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट नहीं है वो भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ईरान जाना पड़ेगा, ठीक है। ईरान, तेहरान, तेहरान में जॉर्जिया की जो एम्बेसी है वो हमसे ना बैंक स्टेटमेंट मांगती है और ना ही जो है ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मांगती है, क्योंकि मैं ये वीज़ा ले चुका हूँ और मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। मेरी वीडियो देखें आप, चैनल पे नज़र आ जाएंगी। तो बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा कंट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से बहुत मजबूत वीज़ा माना जाता है। स्टिकर वीज़ा इनका, ये साइड पे आपको स्टिकर वीज़ा भी शो हो रहा होगा। इसका तरीका कार क्या है, ठीक है। ये जो जॉर्जिया वैसे की आपको मेल नज़र आ रही है, इस पे आपने मैसेज करना है कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मैंने जॉर्जिया का जो है ना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो फिर आपको एक दिन बाद या हो सकता है उसी दिन सेम डे में ही वो ईमेल का जवाब आ जाए। तो वो जो रिक्वायरमेंट बताएंगे उसमें बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, नो बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी नहीं। जो रिक्वायरमेंट वो सुन लें, ध्यान से सुन लें। दोस्त मुझे बार बार मैसेज करके पूछते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, इतना टाइम नहीं होता था, इसलिए आपके लिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। जो जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मेल का जवाब आएगा उसमें उनकी वेबसाइट भी होगी, ठीक है। उसे आप क्लिक करेंगे तो वीज़ा सारा कुछ आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पहले आपने होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और इंश्योरेंस कर लेनी है, इंश्योरेंस भी करवा लेनी है। फिर उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना है, ठीक है। ये ऑनलाइन ही फिल होगा, ऑनलाइन फिल होकर ऑटोमेटिक एम्बेसी के पास चला जाएगा। तो आपने तेहरान सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ईरान से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप तुर्की से अप्लाई करना चाहते हैं तो तुर्की से बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा आप ईरान से अप्लाई करें, ठीक है। ईरान से अप्लाई करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है। वो वीज़ा एप्लीकेशन में होटल की डिटेल आपसे पूछेगा, होटल का नाम, होटल का नंबर, ठीक है, ये चीज़ें पूछेगा, ठीक है। और हो सकता है फ्लाइट भी पूछ ले। जब मैंने अप्लाई किया था तो वो PDF डाउनलोड करके फिल करना पड़ता था, अब उन्होंने ऑनलाइन ही जो है ना सिस्टम कर दिया है, ठीक है। तो पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको एक पिक्चर चाहिए, ठीक है। वो जो आप जो ईमेल का जवाब आएगा रिक्वायरमेंट में, उसमें पिक्चर का साइज भी मेंशन होगा, ठीक है। और उसके बाद पिक्चर के बाद आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए रंगीन, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लाइट बुकिंग चाहिए, आपको होटल बुकिंग चाहिए, एक महीने की इंश्योरेंस चाहिए और $20 फीस चाहिए। ये चीज़ें चाहिए। जो $20 फीस है वो तेहरान में फरदोसी के पास मिली बैंक है, वहाँ पे आप पे करके उसकी स्लिप लेके ईमेल पे भी सेंड कर दें उनको और अपनी फाइल में भी अटैच कर दें, ठीक है। फिर जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपने फिर एम्बेसी को उसी मेल पे करनी है जो आपको रिक्वायरमेंट आई थी, उसी को ऑल रिप्लाई में उनको बताना है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए, अब आप हमें बताएं कि हमने कैसे जो है ना वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सी डेट हमें आप अपॉइंटमेंट भी देंगे। तो वो आपको 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी डेट दे देंगे, ठीक है। एक दो दिन का आगे पीछा भी हो जाए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस डेट को पहुंच सकता हूं, क्योंकि दूसरे मुल्क से आना होता है तो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप जब ने ईरान आना है, तेहरान में, अपनी तेहरान में आते ही आपने पहले मिली बैंक में जाना है, अपनी $20 फीस, डॉलर में फीस पे होगी, फीस पे करके फिर आपने एम्बेसी चले जाना है अपनी डेट के मुताबिक, टाइम के मुताबिक। एम्बेसी जाके वहाँ पे ट्रेन ही जाती है, ठीक है, ट्रेन जाती है, तो आपको टैक्सी टुक्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ट्रेन ही जाती है। मैप पे आपको मैं थोड़ा सा शो कर दूंगा, अगर मेरे पास मैप हुआ तो। बाकी जो है आप टैक्सी लेंगे तो ज़रा महंगी पड़ेगी, ट्रेन में जाएंगे तो काफ़ी सस्ता है निज़ाम, ठीक है। तो अपनी फाइल लेके जॉर्जिया एम्बेसी चले जाएंगे, ठीक है। वो आपसे मांगेंगे, जब आप उनके एम्बेसी में चले जाएंगे तो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे आपको अंदर बुला लेंगे, ठीक है, आपसे थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू करेंगे, आप क्या लेने जा रहे हैं और आपने क्या करना है, ठीक है। अगर आपने अपना मकसद सही बता दिया उनको तो समझिए आपका वीज़ा जो है ना अप्रूव हो जाएगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा था आप क्या लेने जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया था कि मेरे अंकल स्पेन होते हैं तो वो हर साल टूर करते हैं जॉर्जिया का, तो इस दफ़ा उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया है तो मैं भी उनके साथ जो है ना टूर करूँगा।
तो मुझे फिर उन्होंने जो है ना, मैंने मेरी फाइल जमा हो गई, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, हम आपको 10 दिन के अंदर अंदर बता देंगे। तो मैं फिर वहाँ से चला गया पाकिस्तान। तकरीबन 6 दिन बाद मैंने मेल की उनको कि मेरे वीज़े का क्या बना, तो उन्होंने कहा आ जाएं, अपना पासपोर्ट लेके आएँ, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। फिर मैं पाकिस्तान से वापस ईरान आया, अपना वीज़ा लिया, फिर पाकिस्तान गया। ठीक है, जब वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है, सुबह आप 10-11 बजे एम्बेसी पहुँचे, पासपोर्ट अपना दें, तो आपको 2-3 घंटों में पासपोर्ट स्टिकर लगा के वापस कर देते हैं, या आपको स्टिकर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और जब आपको यानी कि वीज़ा मिल जाता है, आप 10 दिन का अप्लाई करें या 15 दिन का, वो 1 महीने का वीज़ा देते हैं। ठीक है, मुझे 1 महीने का मिला था, जब मैं ट्रैवल करके आया था तो सिर्फ मैं 5 दिन का ट्रैवल करके आया था। ठीक है, तो जो भी दोस्त जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उनको मेल करें। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस में आपको फिर जो है ना नज़र आ रहा होगा, इस पे मेल करें। ठीक है, इससे उनसे पूछे क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट का मैसेज करेंगे, वो साथ अपनी जो उनका लिंक है जहाँ पे आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो भी देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हर कोई दोस्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ज़रा उनको मकसद समझाने का सही आ गया तो आप जो है ना, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो जो ट्रैवल हिस्ट्री में जॉर्जिया का वीज़ा बड़ा मजबूत माना जाता है, ठीक है, वो जो जॉर्जिया का फ्लैग होता है ना, यानी कि हमारा जो जैसे लाहौर है, कराची है या इस्तांबुल है, तो यहाँ पे फ्लैग के साथ 2 फ्लैग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी जॉर्जिया फ्लैग के साथ जो ना यूरोप का फ्लैग है, वो कहते हैं कि हम यूरोपी हैं। ठीक है, तो जॉर्जिया को यूरोपी जो है ना वो मानते हैं। तो इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैंने विजिट किया था, मुझे काफ़ी अच्छा और बड़ा मज़ा आया था जॉर्जिया तबलिसी में। ठीक है, और इमिग्रेशन की बात कर लूँ, लोग कहते हैं जी ऐसे ऐसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो आपको एंट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, रिटर्न होनी चाहिए आपके पास फ्लाइट, और शो मनी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हों तो आपको इजीली एंट्री मिल जाती है। बाकी जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं उनको भी जो है ना वीज़े के बगैर वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ काफ़ी यूएई के रेजिडेंट्स हैं, इंडियन भी थे और पाकिस्तानी भी थे, तो उन्होंने ट्रैवल किया था, तो कोई इशू नहीं होता। वो बगैर, जिनके पास यूएई का रेजिडेंस है वो बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप तेहरान में जाके इनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप उनको मेल करें, ये मेरी बात ज़रा नोट कर लें, जब आप उनको मेल करें, रिक्वायरमेंट की मेल आए, आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, फिर आप ईरान का वीज़ा लें। ईरान का वीज़ा जो है ना, आप ज़ियारती वीज़ा भी ले सकते हैं। ज़ियारती वीज़ा जब बॉर्डर बाय रोड जाएंगे तो फिर थोड़ा इमिग्रेशन मसला करेगी आपको। अगर ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो फिर भी वो आपको थोड़ा पड़ेगा। आप टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तो वो ठीक है। ठीक है, तो आगे आप देख लें, ज़ियारती वीज़ा सस्ता होता है काफ़ी ईरान का। ठीक है, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर टूरिस्ट लेंगे तो फिर वो ज़रा महंगा भी होता है, और उसके साथ इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ईरान का वीज़ा ले लें। ईरान के वीज़ा लेने के बाद आप फिर अम्बेसी को मेल करें कि हमें अपॉइंटमेंट की डेट दें, अम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट की डेट देगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये डेट सही नहीं है तो आप उनको मेल करें कि मुझे इन डेटों में, यानी कि लिख के 3-4 डेटें, कि इन डेटों में कोई भी मुझे अपॉइंटमेंट दे दें, फिर आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो की आपको समझ आई होगी, जिस बात की नहीं समझ आएगी आई वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, जॉर्जिया वीज़े के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट की रंगीन कापी चाहिए, उसके बाद आपको जो है ना होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, एक पिक्चर और $20 फीस, बस ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि भाई पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट लेटर, ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए जो आपका वीज़ा अप्रूव होता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्रूव होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है, तो आप भी थोड़ी स्ट्रगल किया करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एम्बेसीज हैं जो इस तरह वीज़ा देती हैं बगैर स्टेटमेंट के, लेकिन हम सर्च नहीं करते। तो इंशाल्लाह मेरी सर्चिंग जारी है, इसके बाद भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।